वेल देखो यार दोस्तों, आज की वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि इस वीडियो को हो सके तो भाई शेयर कर देना, क्योंकि जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ये चीज़ आप लोग भी फील करते होंगे कि भाई BGMI के अंदर ना ये सारी चीज़ें जो इम्प्रूव है वो होनी चाहिए। और भाई आप तो भाई इट्स अ हार्ड टाइम भाई, BGMI को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया और भाई यहाँ पे 3.3 का अपडेट भी आ चुका है। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग सबसे पहले आप अपना फीडबैक मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो कि BGMI के अंदर आप क्या क्या चाहते हो कि भाई ऐड ऑन हो जाए और आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है BGMI को करंटली खेलने में, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। तो सबसे पहला दोस्तों जो इशू है, जो काफी सारे लोग मुझको बोलते रहते हैं भाई, सबसे पहले जो है दोस्तों आप लोग का क्लासिक क्रेट। और क्लासिक क्रेट दोस्तों आप लोगों को पता है कि भाई जब से गेम आया है क्लासिक क्रेट का कॉन्सेप्ट है ना पूरी तरीके से इन्होंने बदल दिया है। पहले यहाँ पे 10 क्रेट ओपनिंग करने पर एक लेजेंडरी रिवॉर्ड मिलता था, बट अब 50 क्रेट ओपनिंग करने पर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक बार जो है वो नॉर्मली दोस्तों आपको क्रेट ओपनिंग करने का ऑप्शन मिलता है, जहां से आपको 50 क्रेट पे एक लेजेंडरी आउटफिट या फिर कुछ भी आपको हेड वगैरह मिलता है, जो कि आई थिंक ये सबसे वन ऑफ द वर्स्ट दोस्तों जो आप लोगों का कह सकते हैं कि जो आप लोगों का इसमें सिस्टम को डाला गया है। जी हाँ, तो ये दोस्तों बहुत ही बेकार है। आई थिंक इसको क्राफ्टन को इम्प्रूव करना चाहिए। जो पहला वाला था भाई जिसमें 10 में आप लोग को एक लेजेंडरी मिलता ही था, उसको इनको रिटर्न कर देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप में से सभी लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता हो ये देख करके कि क्लासिक क्रेट के अंदर से इन्होंने ग्लेशियर को 1.9 अपडेट या सिर्फ 1.8 अपडेट के टाइम पे ही हटाया था, और अभी गेम के अंदर भाई 3.3 का अपडेट चल रहा है एंड स्टिल आप लोग देखोगे कि क्लासिक क्रेट के अंदर आपका जो ग्लेशियर है वो नहीं आया है। अब दोस्तों ग्लेशियर हटाने के पीछे इनका क्या रीज़न है, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्या इनका प्लान है, लिटरली वी हैव नो आइडिया। मेरे को भी पता नहीं है भाई क्या इशू है, लेकिन अगर आप लोग पबजी मोबाइल ग्लोबल खेलते हो और पबजी मोबाइल ग्लोबल में रेगुलर हो तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे जो है वो ग्लेशियर अवेलेबल है और यहाँ क्लासिक क्रेट से ओपनिंग करके आप इसको फ्री में निकाल सकते हो। और देखो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BGMI के अंदर ग्लेशियर डालना ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये लोग डाल सकते हैं, बट ये लोग नहीं डालेंगे क्योंकि भाई इनको कमाने हैं पैसे। विंटर क्रेट डालेंगे भाई 3.5 अपडेट के अंदर और उधर से पैसे छापेंगे। ठीक है, आई थिंक क्राफ्टन को जल्द से जल्द जो है ना ग्लेशियर को डालना चाहिए भाई। ठीक है, क्लासिक क्रेट के अंदर, ताकि लोगों का यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो गेम के प्रति बढ़े और लोग यहाँ पे और ज़्यादा खेले और क्लासिक क्रेट की ओपनिंग करें। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ पबजी मोबाइल का प्रीमियम क्रेट, जहाँ पे भाई ना अगर आप लोग 120 क्रेट ओपन करते हो तो भाई आपको यहाँ पे परमानेंट दोस्तों जो है यहाँ पे परमानेंट आपको गारंटेड दोस्तों ना मिलना ही है एक यहाँ पे आपको अपग्रेडेबल गन, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि स्टार कोर का M762 यानी कि बैरल का स्किन है, जो कि काफ़ी क्रेजी है। 120 प्रीमियम क्रेट आई थिंक दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के पास जमा होगा। अगर आप लोग क्रेट ओपनिंग नहीं करते हो तो मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम क्रेट होगा और आप में से बहुत सारे लोग जो है ना करंट जो अभी BGMI के अंदर प्रीमियम क्लासिक चलता है उसकी ओपनिंग भी नहीं करते हो। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो भाई ओपनिंग करते ही नहीं, उनको पसंद ही नहीं है कॉन्सेप्ट भाई, यहाँ पे 100-100 क्रेट ओपनिंग कर देते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। और अगर आप लोग पबजी के अंदर 120 खोलते हो तो आप लोगों दोस्तों ना यहाँ पे बैरल का अपग्रेडेबल गन मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक दोस्तों उनको ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए, यहाँ पे प्रीमियम क्लासिक क्रेट का जो इनका कॉन्सेप्ट है इसको बदलना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। वरना बहुत सारे लोग ना एक तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री रिवॉर्ड के लिए गेम खेलते हैं, इवेंट्स के लिए गेम खेलते हैं, बट ये लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इन सारी चीज़ों पर। तो भाई आई थिंक क्राफ्टन को इन सारी चीज़ों पर काम करके इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। अब दूसरा जो एक इशू है, जो कि काफ़ी सारे लोग भाई बोलते रहते हैं कि गेम का जो टाइमिंग है, जी हाँ, अब दोस्तों ये जो टाइमिंग है ना भाई, बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जो कि ये 6 घंटे का टाइम लिमिट, 6 घंटे से ज़्यादा BGMI आप नहीं खेल सकते हो। ठीक है, अब काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि क्या ये 6 घंटे वाला जो टाइम लिमिट है क्या BGMI के अंदर से हट पाएगा, क्योंकि पबजी मोबाइल के आप लोग जितने भी वर्जन को उठा लो उन सारे वर्जन में दोस्तों आप लोग गेम अनलिमिटेड खेल सकते हो, जितना चाहो उतना खेल सकते हो। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो BGMI के अंदर दोस्तों ये जो टाइम लिमिट वाला जो आप लोगों का डाला गया ऑप्शन, ये कभी भी नहीं हटेगा, क्योंकि दोस्तों ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है, जब गेम आ ही रहा था तो भाई ये सारे सेकेंड टाइम जो आया गेम बैन होने के बाद, उस टाइम पे ही दोस्तों डाले गए थे और ये आपको फ्यूचर में कभी भी हटता हुआ नहीं दिखेगा, जो कि इससे भी काफ़ी सारे BGMI के प्लेयर फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों एक एज लिमिट होनी चाहिए कि ये मतलब जितना एज लिमिट, अगर दोस्तों 10 साल या 12 साल के अंदर के बच्चे हैं तो उनको कम खेलने देना चाहिए, जो 18 साल से ऊपर है उनके लिए अब यहाँ पर अनलिमिटेड प्ले का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन क्राफ्टन इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है, दूसरा बात ये कि यहाँ पर ये लोग फ्री इवेंट नहीं डालते हैं भाई। ठीक है, इनको फ्री इवेंट पर भी काम करना चाहिए, फ्री इवेंट में अच्छे अच्छे आउटफिट वगैरह, गन्स का स्किन, लेजेंडरी गन का स्किन्स वगैरह डालना चाहिए,
ताकि लोग दोस्तों यहाँ पे जो वो गेम के अंदर इंगेज करे। आप लोग देखो भाई यहाँ पे जो इवेंट चल भी रहा है तो ये लोग दे कौन सा रहे हैं आउटफिट, एपिक आउटफिट दे रहे हैं भाई, क्या औकात है एपिक आउटफिट का। यहाँ पे लेजेंडरी आउटफिट पीछे फ्लैश करा हुआ है, गोल्डन ग्लोरी एक्सचेंज सेंटर। लेकिन भाई अगर यहाँ पे आप लोग आउटफिट पे गौर करोगे तो ये गोल्डन ग्लोरी एक्सचेंज सेंटर तो नहीं है, वेटरन एजेंट सेट इसका नाम है भाई। क्या मतलब ये क्या स्कैम है, लिटरली ये सारी चीज़ें देखकर भाई खून जलता है कि भाई इतने सारे लोग खेलते हैं और भाई इवेंट्स के नाम पे ये लोग सच में हगते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है जो मैं बोलूँगा ड्रैगन बॉल का, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने डाला है। ये इवेंट दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को एक लेजेंडरी आउटफिट परमानेंट और यहाँ पर एक यहाँ पे जो हेडगियर है वो मिल रहा है, लेकिन इसके लिए भी बहुत ज़्यादा घसना पड़ेगा मेरे दोस्त। जी हाँ, सही बता रहा हूँ भाई, बहुत घसना पड़ेगा इसको 1000 कॉइन लेने के लिए। अब ड्रैगन बॉल के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया तो एक अच्छा आउटफिट दिया, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि ये लोग ना गन स्किन्स के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। गन स्किन्स पे फोकस ये लोग कहाँ करेंगे, पेड क्रेट्स के अंदर। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ भाई ऐसा ऐसा क्रेट्स है ना भाई, ये क्रेट्स कौन ओपन करेगा। देखो इसमें मिथिक गन का स्किन डाला हुआ है और इसका क्रेट ओपनिंग आप करोगे तभी आपको ये निकलेगा। अगर भाई ये लोग फ्री इवेंट में डाल देते तो भाई कितने सारे लोग इंगेज करते और वह BGMI को जो है जितने भी इवेंट्स उसके मिशन वगैरह करके ये सारी चीज़ें लेने का कोशिश करते, बट ये लोग नहीं डालेंगे भाई क्योंकि इनको क्या करना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मिथिक वॉइस पैक है, बेसिक वॉइस पैक का कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि भाई फ्री वाला जो होता है ना कुछ यहाँ पे आप लोगों का मिशन वगैरह इवेंट का वो कर करके लेने का मौका देना चाहिए, बट ये लोग दोस्तों बेसिक वॉइस पैक को भी यहाँ पे UC में डालते हैं। चलो मिथिक का मान लेते हैं भाई, क्रेट ओपनिंग करके निकलता है, लेकिन इनको कम से कम डालना चाहिए भाई, ठीक है। देख लो भाई फ्री इवेंट से ज़्यादा इनका पेड इवेंट चलता है, आप लोग देखो कितना सारा पेड इवेंट है। एक मैं गिन के दिखा देता हूँ, एक हो गया, दो हो गया, उसके अलावा तीन हो गया, यहाँ पे चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया भाई, सात सात इनका पेड इवेंट चल रहा है। और अगर फ्री इवेंट की बात करो तो आप लोग दिन देखो भाई यहाँ पे कितना फ्री इवेंट चल रहा है भाई, एक यहाँ पे आपका ये वाला इवेंट है, इसके अलावा एक ड्रैगन बॉल का इवेंट चल रहा है जहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो, और कुछ भी इवेंट नहीं चल रहा है। मतलब आप लोग एक अंदाज़ा लगा लो भाई, सात सात इवेंट पेड क्रिएट इन्होंने डाला है जिसमें आपको पैसे खर्च करने हैं, और दो इवेंट सिर्फ फ्री वाला डाला है जिसमें दोस्तों आपको एकदम टट्टी सा रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो आई थिंक इनको ये सारी चीज़ों पर कंसिडर करना चाहिए। आपका इसके ऊपर क्या ओवरव्यू है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन बिलो। बाकी दोस्तों बोनस चैलेंज भाई इन्होंने डाला अभी तक तो दोस्तों अपडेट आ गया, अभी तक इन्होंने फिर से नहीं डाला है। अब देखो भाई ये लोग डालते कि नहीं डालते हैं, या फिर दोस्तों इन्होंने जो है ना गर्म करके ठंडा छोड़ दिया BGMI प्लेयर्स को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो दोस्तों मेरे को जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, आगे आप लोग पहुँचा देना क्राफ्टन तक वीडियो, अगर पहुँचा पाओ तो शेयर कर देना।